पुण्य सलीला मारेवा के अवतरण दिवस पर स्वामी गिरीशानंद सरस्वती महाराज के सानिध्य में निकाली गई पालकी चुनरी यात्रा में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह भी शामिल हुए और गौरीघाट पहुंचकर मां नर्मदा का पूजन अर्चन किया। मां नर्मदा के अवतरण दिवस पर रेत नाका से साकेत धाम के संस्थापक स्वामी गिरीशानंद सरस्वती महाराज के सानिध्य में नर्मदा चुनरी एवं पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह सहित उत्तर मध्य विधायक अभिलाष पांडे सहित अन्य जनप्रतिनिधि और संत महंत एवं श्रद्धालु शामिल हुए। उमा घाट पहुंचकर सभी ने मां नर्मदा का पूजन कर चुनरी अर्पित की। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि पतित पावनी मां रेवा के अवतरण दिवस पर उनके दर्शनों एवं पूजन का सौभाग्य मिला है और जीवनदायिनी मां नर्मदा से देश की खुशहाली की प्रार्थना की गई। उन्होंने कहा कि नर्मदा परिक्रमा पथ के निर्माण पर भी विचार किया जा रहा है। आज माँ का अवतरण दिवस है। जीवनदायिनी माँ पुण्य सलीला माँ, जिनके दर्शन मात्र से पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है, और ऐसी माँ का जब अवतरण दिवस है तो आप देख रहे हैं कि लोगों में अगाध श्रद्धा भाव है, भक्ति है, और आज 5 लाख से ज़्यादा लोग केवल गौरीघाट में ही माँ के चरणों में उनके दर्शन के लिए आते हैं। और इसलिए हम सब ने मिलकर ये तय किया कि हम सबकी भी जिम्मेदारी है, माँ जीवनदायिनी है, लेकिन जीवनदायिनी स्वच्छ रहें इसके लिए हम सबको भी मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। तो इस बार ये निर्णय किया था सभी की सहमति से, पूज्य साधु संतों के आशीर्वाद से, कि सभी लोग रास्ते में रेत नाका के पास से ही वहाँ उनके पहले वाहन खड़े हो जाएं। और मैंने कहा था कि मैं स्वयं भी पैदल ही आऊँगा ताकि यहाँ पर किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, कोई भी VIP मूवमेंट के कारण लोगों को परेशानी ना हो। तो आज मैं पैदल ही आया हूँ और पैदल ही जाऊँगा। चुनरी एवं पालकी यात्रा में शामिल हुए भक्तों ने भक्ति भाव से मां रेवा को चुनरी अर्पित की।